आइए आज ग्रामर सीरीज का चौथा पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम तीन पार्ट पढ़ा चुके हैं। बीए फर्स्ट ईयर की स्पेशल क्लास है ये, और इसके अलावा ये बहुत सारे अन्य परीक्षाओं में भी अलंकार आता है, तो सबके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला अलंकार आज का है रिपीटिशन। रिपीटिशन माने क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है, दोहराव होता है, पुनरावृत्ति या दोहराव। अब जैसे ये कैसा अलंकार होता है, पुनरावृत्ति अलंकार या दोहराव, तो इसमें जान लो क्या होता है। इन रिपीटिशन, यानी रिपीटिशन में ए वर्ड इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, एक शब्द जो है कई बार क्या होता है, रिपीट होता है। फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस फीलिंग, क्यों? एक्सप्रेसिंग माने होता है व्यक्त करने के लिए, इंटेंस माने तीव्र, फीलिंग माने भावना, तीव्र भावना को व्यक्त करने के लिए हो जाएगा। पुनः रिपीटिशन में एक शब्द, कोई एक शब्द होता है, ये मतलब ये नहीं, कोई शब्द जो है तीव्र भावना को व्यक्त करने के लिए कई बार जो है दोहराया जाता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ए लिटिल ग्रेव, ए लिटिल लिटिल ग्रेव। अब यहाँ देखिए लिटिल तीन बार आया कि नहीं आया, शब्द दोहराया गया कि नहीं, तो इसमें दोहराना का मतलब रिपीटिशन, मतलब रिपीट करना, बार बार रिपीट हो कोई शब्द किसी लाइन में, तो बता दो इसमें कौन सा अलंकार है, रिपीटिशन। या परीक्षा में ऐसे भी ऐसे थे, विच इन विच फिगर ऑफ स्पीच ए वर्ड इज रिपीटेड मेनी टाइम्स फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस मीनिंग, किस फिगर ऑफ स्पीच में एक शब्द को इंटेंस मीनिंग व्यक्त करने के लिए जो कई बार दोहराया जाता है, तो आपको आंसर होगा रिपीटिशन। या तो लाइन दे देगा, कह देगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना पड़ेगा रिपीटिशन। समझ में आ गया? और भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें लिटिल भी तीन बार रिपीट किया गया, ग्रेप भी। दूसरा देखिए, ओ डार्क डार्क डार्क, इसमें तीन बार डार्क रिपीट हुए कि नहीं हुए, सीधी सी बात है रिपीटिशन। एमिट द ब्लेज ऑफ मून इरिवोकेबल डार्क, ब्लेज मतलब होता है ज्वाला होता है, येलो होती है, तो चंद्रमा की ज्वाला के बीच में, यानी वही चंद्रमा के प्रकाश के बीच में, क्लियर, ज्वाला प्रभा चमक, चंद्रमा के प्रकाश के बीच में जो है क्या, काला काला काला, थोड़ा सा काला काला वो रहता ना निशान ना चंद्रमा में दाग टाइप में, वही चीज़। इरिवोकेबल डार्क, ये असाध्य दाग है, इरिवोकेबल मतलब जिसे ठीक ना किया जा सके, ऐसा वो दाग है, डार्क है, वो कालापन है। टोटल एक्लिप्स, तो क्या हो जाता है, पूरी तरह से चंद्र ग्रहण, एक्लिप्स माने ग्रहण, ये पूरी तरह से ग्रहण लग जाता है, तो जब चंद्र ग्रहण होता है तो इस तरह से काला हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो डार्क डार्क डार्क, इसमें तीन बार डार्क आया है, अलंकार होगा रिपीटिशन। चलिए अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। अगला अलंकार आपका यूफिमिज्म है। यूफिमिज्म माने क्या होता है, व्यंजना अलंकार या प्रयोक्ति अलंकार, क्लियर। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे यूफिमिज्म माने क्या होता है, जैसे किसी अप्रिय वस्तु का सुहावने ढंग से वर्णन, उसी को यूफिमिज्म कहते हैं, क्लियर। जैसे इसका परिभाषा देख लेते हैं, इन यूफिमिज्म, यूफिमिज्म में ए डिसएग्रीएबल थिंग, डिसएग्रीएबल माने असुहावनी, थिंग माने चीज का, इज प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया जाता है बाय एन एग्रीएबल नेम, सुखद नाम से, क्लियर। एग्रीएबल माने सुखद, मतलब किसी आप असुखद, एग्रीएबल माने सुखद होता है, तो असुखद चीज का सुखद नाम के द्वारा वर्णन की जाती है। असुखद का मतलब जो अप्रिय हो, इस ग्रेबल में अप्रिय का हो या असुखद, और एग्रीएबल में सुखद या प्रिय, अप्रिय वस्तु का प्रिय वस्तु के प्रिय नाम से वर्णन किया जाता है। मतलब ये जान लो, जैसे कोई चीज़ सुनने में खराब लगेगा ना कोई बात, तो उसको हम ऐसे कहते हैं जैसे सुनने में खराब ना लगे। अगर हम जैसे कोई मर गया, तो आप कहेंगे कि तुम कि कोई उसके लड़के साहब कहो कि तुम्हारे पिताजी मर गए, तो बात तो सही है लेकिन उसको तकलीफ होगा मर गए शब्द सुन के। अगर ये कहेंगे तुम्हारे पिताजी ने अंतिम सांस ले लिया या गुजर गए, क्लियर, इस दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया, मैं सुना, क्लियर, देहांत हो गया, तो ये शब्द हैं वही चीज़ लेकिन, क्लियर, उतना मतलब कि ये डिसएग्रीएबल नहीं रह गया, वो एग्रीएबल हो गया, प्लीज, क्लियर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल, तुम मुझे एक फेरी टेल सुना रही हो। फेरी टेल माने होता है परियों की कहानी, फेरी माने परी होता है, टेल माने कहानी या गाथा किस्सा, तो परियों की कहानी सुना रहे हो, कहने मतलब क्या, झूठ मूठ सुना रहे हो, क्लियर। फेरी टेल माने परियों की कहानी, काल्पनिक कहानी, अगर मतलब झूठी कहानी, अगर किसी का तुम झूठ झूठ कह रहे हो तो उसको लगेगा कि हाँ झूठ कहना सीधे सीधे थोड़ा कम सही लग रहा है। अगर वही चीज़ सुहावने ढंग से वर्णन करना, दूसरा नाम दे दो झूठ को, दूसरा नाम क्या, फेरी टेल नाम यहाँ दे दिया गया, तो यही तो इसमें अलंकार में डिसएग्रीएबल थिंग को एग्रीएबल नेम दे देना, क्लियर, झूठ को यहाँ क्या नाम दे दिया गया,
फेरी टेल, फेरी टेल माने तो परियों की कहानी या काल्पनिक कहानी, क्लियर? क्योंकि परी की कहानी कोई मतलब सुनाएगा तो वो झूठी ही रहेगी ना, कोई देखा है इस तरह से परी है, ये है वो है, क्लियर? जादू से सब कुछ कर देती है वो अपने छड़ी से। बालवीर वाली कहानी सीरियल देखे हो, परियों की कहानी, तो सब झूठी कहानी है, क्लियर? यानी कि फॉल्स स्टोरी। अब दूसरा ही है फॉलन स्लीप। फॉलन स्लीप माने क्या होता है, मतलब स्लीप माने सोया हुआ, फॉलन माने गिरा हुआ, गिर कर सोया हुआ है। फॉलन स्लीप मतलब एकदम गहरी नींद में सोया, कहने मतलब वो एकदम मर ही गया है, एक हमेशा में से के लिए क्या है, सो गया है। तो मर गया है ना कह के फॉलन स्लीप कह दिया गया ना, तो मतलब सुहाना वर्णन हो गया। ही वॉज हिज मजेस्टीज गेस्ट फॉर 5 ईयर्स, वह उसके मजेस्टी, मजेस्टी माने होता महाराज होता है, ठीक है, वो गेस्ट माने मेहमान, फॉर 5 ईयर्स माने 5 साल, वह 5 साल से अपने महाराज का मेहमान है, क्लियर? 5 साल से वह अपने महाराज का मेहमान है, कहने का मतलब क्या है, महाराज का मेहमान होना का मतलब क्या, महाराज का नौकर होना, क्लियर? जैसे किसी के बारे में बताना कि वह उस महाराज का क्या है, 5 साल से नौकर है, तो नौकर शब्द तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर उसको दूसरा नाम दे दिया महाराज का मेहमान है, तो कहने मतलब महाराज के यहाँ रह रहा है तो नौकरी कर रहा है, मतलब वो उसका दूसरा नाम हो गया, तो इसी को कहते हैं एग्रीएबल नेम। बात समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉलन स्लीप के अलावा ही हैज पास्ड अवे, लिख लो, ही हैज पास्ड अवे, वह पास्ड अवे माने क्या होता है, मर जाना, गुजर जाना, अवे माने दूर, मतलब गुजर, वह गुजर गया है, तो ही हैज पास्ड अवे मतलब ही हैज डाइड, क्लियर? इस तरह से हम का कोई भी सेंटेंस आ जाएगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कौन सा अलंकार है, यूफीमिज्म। चलिए आगे देखते हैं एपिग्राम क्या होता है। एपिग्राम मतलब होता है सूक्ति, सूक्ति अलंकार, क्लियर? एपिग्राम इज ए ब्रीफ सेइंग, एपिग्राम एक संक्षिप्त में सेइंग माने कहावत होती है, दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट, दैट एंड्स जो समाप्त होती है विटी माने बुद्धिमानी से युक्त, टर्न ऑफ थॉट माने विचारों का मोड, क्लियर? जो बुद्धिमानी से युक्त विचारों के मोड में समाप्त होती है, क्लियर? कहने का मतलब ये होता है कि ब्रीफ सेइंग होती है, संक्षिप्त कहावत, सेइंग मींस कहावत, जैसे एपिग्राम क्या होती है, छोटी सी कोई कहावत होती है, सूक्ति हिंदी में सुने हो तो सूक्ति कोई एक लाइन रहती, कहावत होती है ना, जैसे हिंदी में परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पराधीन सपने हो सुखनाही, ये सब क्या है, सूक्ति है, क्लियर? तो उसी तरह से अंग्रेजी में भी सूक्ति होती है, उसको हम कहते हैं सूक्ति पूर्ण अलंकार। तो उसमें कोई बिटी मतलब टर्न ऑफ थॉट होता है, कोई विचार होता है वो बुद्धिमानी पूर्वक कहा गया रहता है, क्लियर? तो एग्जाम्पल देखते हैं, द हाइएस्ट आर्ट इज, मतलब कि द हाइएस्ट आर्ट माने सबसे उच्च कला, इज माने है टू कंसील आर्ट, कंसील माने होता छिपाना, आर्ट माने कला, सबसे उच्च कला जो है कला को छिपाना होता है, क्लियर? सबसे उच्च कला कला को छिपाना होता है, बताइए एक कहावत ही कही है ना, मतलब सूक्ति या कोई कहावत होती है, चुटकुल्ला भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ कह दिया जाए, उसी को हम कहते हैं एपिग्राम, क्लियर? सबसे उच्च कला क्या होती है, कला छिपाना होता है, मतलब इसमें थोड़ा बीटी टर्न ऑफ थॉट रहता है, बुद्धिमानी से लेकिन कहा जाता है, मतलब कि आपको सुनने में गलत भले लग सकता है लेकिन सही रहता है। सबसे उच्च कला कला को छिपाना है, कहने का मतलब यह है जैसे जिसको कोई चीज़ आ रहा है तो अपनी कला को सबको बखानता नहीं, हमको ये रहा वो रहा, जान जिसके अंदर कुछ नहीं है, ढोंगी है पाखंडी, जिसको आता रहता वो बहुत ज़्यादा बहकता नहीं है, तो इसलिए कहा गया है सबसे उच्च, बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा नहीं बोलता, बड़बड़ नहीं करता, जो बेवकूफ रहते हैं वो हमेशा शोरगुल करते रहते हैं, क्लियर? वो बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की बात को ध्यान से सुनता है, अनायास नहीं बोलता, जब जरूरत पड़ती है तभी वो क्या करता है, बोलता है। इस तरह से वही कहा गया कि सब उसके अंदर कुछ अच्छी कला है। अगला है विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल, विजन माने क्या होता है, दृश्य होता है, मकसद भी होता है, इज द आर्ट कला है सीइंग थिंग्स, चीजों को देखने में, इनविजिबल माने अदृश्य, दृश्य जो है चीजों को अदृश्य रूप में देखने की क्या है, कला है, क्लियर? विजन माने दृश्य भी होता है, स्वप्न भी होता है, कई होता है, विजन भी मकसद भी होता है, आपका विजन क्या है, तो मतलब दृश्य कह रहे हैं कि चीज़ों को अदृश्य रूप में देखने की कला है, इसका मतलब क्या है, जैसे मतलब किसी के अंदर विजन कोई मकसद होता है, दृश्य होता है, तो अदृश्य रूप में देखने का मतलब वो सोचता है, मानसिक चित्र ले आता है, क्लियर? तो ऐसी कला है, उसी कहते हैं विजन। अगला देखते हैं रिटारिक, रिटारिक माने क्या होता है, शब्द आडंबरपूर्ण या अलंकारिक, रिटारिक माने अलंकारिक या शब्दों का आडंबरपूर्ण, तो अलंकारिक अलंकार क्या होता है, यह शब्द आडंबरपूर्ण अलंकार क्या होता है, इसको जान लो।
रिटारिक क्वेश्चन इज एक रिटारिक क्वेश्चन माने अलंकारिक प्रश्न, इज एन इंट्रोगेशन, एक इंट्रोगेशन माने प्रश्नवाचक होता है, इज आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है विदाउट एक्सपेक्टिंग, बिना आशा के फॉर एन आंसर किसी उत्तर के, जिसमें बिना किसी उत्तर की आशा के प्रश्न पूछा जाता है, इन ऑर्डर टू पुट स्ट्रेस ऑन ए थॉट ऑफ इमोशन, इन ऑर्डर टू पुट स्ट्रेस माने जिससे कि स्ट्रेस माने दबाव, दबाव डाला जा सके ऑन ए थॉट ऑर इमोशन किसी विचार या भावना पर। मतलब ये जान लो रिटारिक क्वेश्चन किसे कहते हैं, इसमें कोई रिटारिकल क्वेश्चन होता है, रिटारिकल क्वेश्चन मतलब ऐसा प्रश्न जो उत्तर देने के लिए आपसे नहीं कहा पूछा जा रहा है, बल्कि आपको बताने के लिए, बात पर जोर डालने के लिए किया गया, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़े हो उसमें अलंकार, उस ओड टू ऑटम पढ़ी हो जॉन किट्स की कविता, उसमें लाइन आई थी हु हैज नॉट सीन दी, क्लियर, इन द ऑटम, तुम्हें ऑटम में कौन नहीं देखा है, कहने का मतलब तुम्हें ऑटम में सब कुछ सबको ही देखा है, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक ढंग से लेखक या कवि अपनी बात को जोर देने के लिए कहता है, उत्तर देने के लिए नहीं। यही उदाहरण देखते हैं, हु इज हियर सो वाइल, यहाँ पर कौन इतना वाइल मीन्स बुरा है, दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा, यहाँ पर कौन इतना बुरा है जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा, हाँ तो प्रश्नवाचक वाक्य ना, लेकिन उत्तर आपसे पूछा जा रहा है नहीं, बताने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर कौन इतना बुरा है जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा, कहने का मतलब यहाँ पर सभी लोग अपने देश से प्रेम करेंगे, क्लियर। अगला, आई एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, कहने का मतलब मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूँ। शैल आई वेस्टिंग इन डिस्पेयर, क्या मैं निराशा में, वेस्टिंग मैंने नष्ट करना, समय नष्ट कर रहा हूँ, डाई बिकॉज ऑफ ए वुमेन्स फेयर, और एक औरत की सुंदरता के कारण मर रहा हूँ, क्या मैं निराशा में नष्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समय को और औरत की सुंदरता के कारण मर रहा हूँ, कहने मतलब मैं निराश होकर अपना समय नष्ट नहीं कर रहा हूँ, ना तो औरत की सुंदरता कारण मर रहा हूँ, बात समझ गया ना, ये बात पर जोर देने के लिए कह दिया जाता है, ठीक रहता है सर टू सेंटेंस। एक्सक्लामेशन अलंकार क्या होता है, एक्सक्लामेशन मानो तो विस्मयादिबोधक, जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में पढ़े, विस्मयादिबोधक अलंकार क्या होता है, एक्सक्लामेशन इज द स्ट्रांग एक्सप्रेशन, विस्मयादिबोधक अलंकार में एक स्ट्रांग माने तीव्र एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति होती है ऑफ द एक्सेस माने अधिकता की ऑफ ए पार्टिकुलर क्वालिटी, एक विशेष गुण, तो विस्मयादिबोधक अलंकार में एक विशेष गुण की अधिकता की का तीव्र प्रभाव होता है, कोई विशेष गुण रहे उसकी अधिकता का तीव्र प्रभाव होता है, मतलब इसमें अधिकता प्रकट होती है, क्लियर। जैसे एग्जांपल, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, मनुष्य क्या श्रेष्ठ रचना है, पीस ऑफ वर्क मतलब श्रेष्ठ रचना, मास्टर पीस, क्लियर, मनुष्य क्या श्रेष्ठ रचना है, मतलब कितना श्रेष्ठ रचना है, ऐसा माना जाता है भगवान ने जितने प्राणियों को बनाया सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है, मनुष्य, क्लियर। तो मनुष्य व्हाट ए माने यहाँ क्या नहीं होगा, व्हाट या हाउ करते यहाँ कितना होता है, मनुष्य कितना श्रेष्ठ रचना है, कहने का मतलब मनुष्य बहुत श्रेष्ठ रचना है, असर्टिव सेंटेंस में इसको यही होगा, क्लियर, बात पर जोर देने के लिए कितना होगा। हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, कितना मधुर, हाउ मीन्स कितना, कितना मधुर है द मून लाइट, चंद्रमा का प्रकाश, स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, जो इस किनारे पर स्लीप्स माने सोया हुआ है, क्लियर, मतलब वही पढ़ रहा, इस किनारे पर पड़ रहा चंद्रमा का प्रकाश कितना मधुर है, कहने का मतलब बहुत मधुर है, अधिकता प्रकट हो रही नहीं। अगला है, ओ बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिश्ड हैंड, लेकिन ओ ओ ओ फॉर द टच, ओ फॉर मतलब काश, काश द टच माने स्पर्श, ऑफ ए वैनिश्ड माने अदृश्य हैंड माने हाथ, लेकिन काश अदृश्य हाथ का स्पर्श, एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस, का अदृश्य हाथ का स्पर्श हो जाता है, एंड साउंड ऑफ द वॉइस, और आवाज, ठीक है, साउंड आती है मतलब आवाज़ निकलती है ऑफ ए वॉइस, उस आवाज़ से आवाज़ निकलती है, दैट इज स्टिल, जो शांत है, मतलब उस व्यक्ति के से आवाज़ निकलती है जो कि क्या है, एकदम शांत है। तो कहने का मतलब कि इसमें भी क्या है, एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है। लास्ट, अब एक बात ये भी जान लीजिए, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का निशान लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना, तो उसी से जान लेना है कि एक्सक्लेमेशन इसमें है, अगर कोई में प्रश्नवाचक लगा है तब पूछ रहा है कि इंट्रोगेशन बता देना, क्लियर, और ये निशान बता देना, और देखिए इसके पहले वाले में देखिए निशान नहीं लगा है तो व्हाट ए या हाउ मिलेगा, क्लियर, व्हाट ए या हाउ मिले, लास्ट में प्रश्नवाचक नहीं लगा है तो इसका मतलब वो एक्सक्लेमेशन है, या तो एक्सक्लेमेशन का निशान मिल जाए तो बिना अर्थ जाने आप बता सकते हो, बात समझ में आया, ये इसकी पहचान है। क्लाइमैक्स क्या होता है, देखो
क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया, क्लाइमैक्स मतलब होता है उत्कर्ष या चरम उत्कर्ष, इज द सीरीज ऑफ आइडिया, ये विचारों की एक श्रृंखला होती है इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग माने होता बढ़ते हुए ऑर्डर माने क्रम ऑफ इंपॉर्टेंस, महत्व, महत्व के बढ़ते हुए क्रम में ये विचार का विचारों की श्रृंखला होती है, ठीक ना। जैसे इसमें विचार, जैसे पहले महत्व का क्रम बढ़ेगा, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े हो गणित में, आरोही अवरोही, आरोही मतलब आगे बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए, तो असेंडिंग माने आगे। तो इस तरह से मतलब कोई महत्व का क्रम आगे बढ़ेगा, जैसे पहले कम महत्व वाली चीज़ बताया जाएगा, फिर उससे ज़्यादा महत्व की, फिर उससे ज़्यादा महत्व की, तो ऐसा किसी लाइन में अगर बताया जा रहा है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, क्लाइमैक्स। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल माने सरल, इरेक्ट माने सीधा, सीवियर माने कठोर, ऑस्टर माने संयमी, सबलाइम माने श्रेष्ठ। अब देख, सिंपल मतलब सरल है जो सिंपल ढंग से रह रहा है, तो और लास्ट में श्रेष्ठ ढंग से रह रहा है, उच्च कोटि के ढंग से, सबलाइम माने श्रेष्ठ या उच्च कोटि का। तो इधर कम महत्व का शब्द लिखा गया है, कोई किसी आदमी को बताया जाए कि वो सिंपल है, प्लस एकदम भोला भाला है, इरेक्ट मतलब सीधा है, सीवियर कठोर है, उसके बाद वो कठोर भी है, उसके बाद ऑस्टर संयमी है, और इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे जो संयम से रहेंगे, फिर उसके बाद सबलाइम एकदम श्रेष्ठ है। क्रम बताया गया कि नहीं आ गया, इसी को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। देखिए अगला वाक्य, आई केम, पहले मैं आया, ऐसा फिर देखा, आई कॉन्कर्ड फिर जीता। तो जो काम मत कम महत्व का है, पहले आदमी आएगा फिर देखेगा तभी तो जीतेगा लड़ाई वगैरह करके। इस तरह से जो काम लास्ट में करना चाहिए वो लास्ट में ही आया हो, तो ज़्यादा महत्व का हो, तो उसमें क्लाइमैक्स होगा। आई लाफ, देखिए आगे है, आई लाफ मैं हंसा, तो आई रन मैं दौड़ता हूँ, हंसता हूँ, दौड़ता हूँ, लीप मैंने कूदता हूँ, दौड़ते समय कूद भी लिए, सिंग फिर गाता हूँ, डांस मैंने नाचता हूँ, फार जॉय मैंने खुशी के लिए। तो यहाँ क्या, हंसना, दौड़ना, कूदना, गाना, नाचना, क्लियर। तो अब नाचने वाला काम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसमें देखिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा ना नाचने वाले में। हंसने में क्या, हंसना तो हंस सकते हैं आदमी सिंपली, दौड़ भी सकता है, लिप कूदना, कूदना सब नहीं कूद सकते हैं, और एफर्ट लगाना पड़ेगा, गाने में भी और एफर्ट लगाना पड़ेगा, सुर निकालना पड़ता है, डांस नाचने में तो और एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्लियर, ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। इस तरह से क्रम बढ़ रहा है, क्लाइमैक्स समझ में आ गया। चलिए अब एंटी क्लाइमैक्स देख लेते हैं। एंटी क्लाइमैक्स इसी क्लाइमैक्स का जस्ट उल्टा है, एंटी माने विरोधी, इसका मतलब ये होता है अवनति, अवनति या अधोकर्ष, अवनत की मदद से इसमें क्या उत्कर्ष रहे, अधोकर्ष हो गया, या उन्नति पर नहीं, आगे बढ़ते हुए क्रम में नहीं रहे, पीछे, मतलब कि देखो एंटी क्लाइमैक्स इज ए ल्यूडिक्रुअस, ल्यूडिक्रुअस ठीक है, मतलब होता है ल्यूडिक्रुअस माने विषादग्रस्त, जो अच्छा ना हो। डिसेंडिंग ऑर्डर माने, डिसेंडिंग माने घटते क्रम में, जैसे उसमें असेंडिंग का उल्टा क्या होता है, डिसेंडिंग, असेंडिंग था इसमें डिसेंडिंग, ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया, विचारों का श्रृंखला, जिसमें इसमें जो विचारों की श्रृंखला रहेगी वो घटते क्रम में रहेगी, मतलब पहले महत्वपूर्ण बात कही जाएगी, तब उससे कम, फिर उससे कम, उसी को उल्टा। चलिए देखते आगे, ही लॉस्ट हिज वाइफ, वाक्य देखो, वाक्य से समझ में आ जाएगा। परीक्षा में पूछ लेगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला कौन सा अलंकार होता था, एंटी क्लाइमैक्स बता देना, असेंडिंग ऑर्डर वाला कौन सा अलंकार होता है ना, तो क्लाइमैक्स, तो नहीं तो एग्जाम्पल से आप पढ़ लेना। देखिए इसमें कह रहा है ही लॉस्ट हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को खो दिया, भाई पत्नी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आदमी के लिए, पहले उसको खो दिया, फिर उसके बाद हिज डॉटर पुत्री को खो दिया, अब पहले पत्नी आएगी तभी तो पुत्री आएगी, मतलब कि हिज सन्स पुत्र को खो दिया, एंड हिज वॉच ठीक है, वॉच माने देखभाल, आल आल और आल एट वन फेल स्वूप ठीक है, और उसके बाद जो देख रेख करने वाले सबको खो दिया। तो अब जैसे इसमें क्या है कि जैसे कोई आदमी है उसके लड़की हैं लड़के हैं, क्लियर, वॉच माने घड़ी, सॉरी वॉच में देखभाल नहीं, घड़ी, क्लियर, फिर घड़ी को खो दिया, आल एट वन फेल स्वूप, और सब कुछ फिर एक बार में खो दिया। अब देखिए इसमें क्या है, कैसे एंटी क्लाइमैक्स है, देखिए घड़ी कम महत्व की चीज़ है, किसी आदमी का अगर खोएगा घड़ी तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होगा ना, उसके बाद सन है महत्वपूर्ण, फिर डॉटर है, फिर पत्नी भी खो गई, तो उसका सब कुछ खो गया ना, तो लेकिन यहाँ पत्नी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, घड़ी सबसे कम महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि पत्नी भी नहीं है तो गुजारा कैसे करेगा लाइफ में, क्लियर, कि पत्नी रहेगी तो दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं, पुत्र या पुत्रियाँ भी हो सकती हैं, कमाई रहेगी तो मतलब दूसरी घड़ी भी आ सकती है ना, तो लेकिन अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
वो पहले ही इसमें बता दिया जाएगा। अब समझ गया ना बात, एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का उल्टा। दूसरा हियर दाउ ग्रेट अना, अब यहाँ पर तुम ग्रेट अना माने महान अना हो, होम थ्री रियल्स ओबे, जिसकी तीन रियल्स माने राज्य, तीन राज्य वाले आज्ञा का पालन करते हैं। डस्ट समटाइम्स, डस्ट मीन्स डस्ट, कभी कभी काउंसिल माने सलाह, टेक माने लेना, जो कभी कभी सलाह लेता है, एंड समटाइम्स टी, और कभी कभी चाय लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखिए बता रहे थे कैसे एंटी क्लाइमैक्स है। ग्रेट आना, आना नाम है, क्लियर, वो आना जो है रियल्स, थ्री रियल्स माने तीन राज्य वाले इसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना कि किसी की आज्ञा का पालन तीन राज्य वाले कर रहे हैं, रियल्स इज साम्राज्य। और उसके बाद डस्ट सम टाइम काउंसिल, और कभी कभी सलाह ले रहे हैं। अब सलाह लेना और राज्य करने से छोटा है कि नहीं है, कम महत्व का है। और सम टाइम्स टी, और कभी कभी चाय पी ले रहे हैं। अब बताइए चाय पीना छोटी बात है ना, कोई भी किसी के साथ पी सकता है, सलाह भी ले सकता है, लेकिन राज्य तीन, ठीक है, आज्ञा का पालन तीन राज्यों में किसी की नहीं हो सकता। तो लेकिन यहाँ हो रही पहले नंबर पे ना, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, एंटी क्लाइमैक्स। अगला है एंड दाउ डल डलहौजी, और तुम डलहौजी, डलहौजी जान ही रहो नाम है इतिहास में, आप पढ़े डलहौजी की नीति, क्लियर। द ग्रेट गार्ड ऑफ वार, महान गार्ड ऑफ वार, युद्ध का देवता बताया जा रहा है इसको, मतलब डलहौजी को युद्ध का देवता कह के संबोधित किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल कर्नल मतलब कर्नल, लेफ्टिनेंट एक सेनानी का पद होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल कहा जा रहा है। टू द अर्ल ऑफ मार, मार स्थान का नाम, मार का सामंत, वैसे मार में बिगाड़ना भी होता है, क्लियर, तो अर्ल ऑफ मार भी कहा है, मार मतलब सामंत होता है, मतलब मार के सामंत के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल। अब इसमें कैसे है एंटी क्लाइमैक्स उसको समझो। अब बताइए लेफ्टिनेंट कर्नल जो है और ग्रेट गार्ड ऑफ वार, महान युद्ध का देवता, अब युद्ध का देवता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है ना, प्रतिष्ठित शब्द है, और लेफ्टिनेंट उससे कम है, क्लियर, तो कम वाला बाद में कहा गया, इसका मतलब एंटी क्लाइमैक्स। बात समझ में आए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, एंटी क्लाइमैक्स तक आज पढ़ा है, आगे आपको चार अलंकार और आपके सिलेबस में है, उसको अगले दिन पढ़ाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।